यहाँ पे जितना आपको फल दिख रहा है ना उसके पीछे का मेहनत आपको हम दिखाते हैं। बस खाली पेड़ पर चढ़ला उतने में 20 किलो आम हो गए। हो गई। ओके बाय। बाजीपुर जी। बाजीपुर ना। बाजीपुर। बाजीपुर गांव में आ चुका हूँ, थोड़ा आगे आ जाओ। यहाँ पे आप पुजेड़ी हैं, कितने साल से हैं आप यहाँ पे? हमारा 7 साल हो गए। अभी बने होने का आसपास की ना मंदिर के? बनेगा। बनेगा? कब तक बनेगा? तुरंत बनेगा। आपके लड़का उड़का नहीं है? लोग नहीं, हमारा कोई नहीं है। तो देखिए इतना आपको दिख रहा है यहाँ पे जितना स्ट्रगल और मेहनत किए हैं, मेहनत का मतलब यहाँ पे जितना आपको फल दिख रहा है ना उसके पीछे का मेहनत आपको हम दिखाते हैं, पूरा मेहनत। देखिए भाई साहब अपना नाम बताइए। गोधन कुमार। गोधन कुमार। तो देखिए गोधन जी अभी पेड़ से एकदम आसमान से उतर रहे हैं, मतलब कितना आप और कौन कौन से पेड़ पर कहाँ कहाँ चढ़ जाते हैं ये बताइए? तरकुल पर चढ़ जाते हैं। तरकुल पे कितना टाइम में चढ़ जाएंगे ऊपर? इतना देर 10 मिनट में। 10 मिनट पे इतना बड़ा तरकुल पे चढ़ जाइएगा? हाँ। अच्छा ऊपर आओ बैठ के, पाकला मिले तो खेबो कर लो। खेबो कर ही ला। हाँ तो क्या बगल उगल में चुरा के ना लाओ ला। ना एगो रहे गिर गिला कोई पसंद नहीं छे ले आओ तो रहो नहीं से ना। तो इतना अभी आम तोड़ लो तो जैसे कि इतना में से कितना तहर आम में जैसे लेके जीबो? हैं कितना आम जैसे लेके जीबो तू घर? 20 किलो। 20 किलो लेके जीबो? बस खाली पेड़ पर चढ़ला उतने में 20 किलो आम हो गए। हो गई। ओके बाय। तो जिंदगी में खुश बाड़ा कि ना? कोई चीज की दिक्कत नहीं है? ना 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 एकदम खुशल मंगल बा ना? खूब खुशल मंगल बा। सो नमस्कार दोस्तों, तो देखिए क्या है ना कि अभी हम एक गांव में आ चुके हैं। बाबा बताएंगे, बाबा ये गांव का नाम कौन सा है? बाजीपुर। बाजीपुर जी। बाजीपुर ना। बाजीपुर। बाजीपुर गाँव में आ चुके हैं, थोड़ा आगे आ जाओ। और देखिए यहाँ पे हम यहाँ पे आ करके यहाँ पे रुकना और रुक करके यहाँ पे कुछ बातें करने का मकसद ये है कि हमारे बैकग्राउंड में आप देखिए यहाँ पे जैसा कि यहाँ पे ऐसा एक जोन बनाया गया है जहाँ पे ऐसे लोग आके वर्कआउट कर सकते हैं और मतलब थोड़ा जिम टाइप नहीं, मतलब एक एक्सरसाइज करने के लिए यहाँ पे एक जगह बनाया गया है, एक जोन है जहाँ पे देखिए आपको वहाँ पे चल के दिखाएंगे। पहले बाबा से जानेंगे। बाबा तो यहाँ पे आप पुजेड़ी हैं, कितने साल से हैं आप यहाँ पे? हमारा 7 साल हो गए। 7 साल जी। तो जैसे कि आप यहाँ पे मंदिर के हनुमान जी का मंदिर है? ये हनुमान जी का है, बाबा बैजनाथ का है। अच्छा तो ये बाबा बैजनाथ का है ये वाला इस साइड और इस साइड हनुमान जी का है जी। तो यहाँ पे आपका बाबा पुजेड़ी है ना आप? तो पुजेड़ी होने के नाते आपका यहाँ पे मंदिर में क्या कुछ काम होता है और क्या कुछ आप करते हैं यहाँ पे? सब काम नहीं होता है मैं। अच्छा ये अपन गांव में घूमी जाता टहल मिलता तो पूजा पाठ में बनाई। अच्छा गांव में घूमत फिरत रही ला अपन आ जाओ अपन, मतलब एगो मंदिर में अपन पूजा पाठ करता है ये बनो। तो अच्छा मंदिर तो काफी पुराना हो गया जी, कुछ अभी बने होने का आसपास की ना ही मंदिर के? बनेगा। बनेगा? कब तक बनेगा? तुरंत बनेगा। क्या कुछ बोला गया, कौन बनवाएगा? मुखिया जी बनाएगा। क्या बोले मुखिया जी? कहेगा हम बना दूंगा। कैसा बनेगा मंदिर? कुछ बढ़िया मंदिर बनेगा। जगह तो बहुत अच्छा खासा है आप लोग का? जगह जगह है, जगह तो। कौन है आप लोग मुखिया जी? ये जो मानपुर का है। नाम बताइए। नाम नहीं याद है? नाम इनको नहीं याद है। तो आप इसी में रहते हैं ना? हाँ। यहीं पे खाना पीना बनाते हैं, यहीं पे रहते हैं? यहीं पे रहता है। आप लोगों आपको खाना पीना चावल वावल गांव से मिल जाता है? गांव से मिल जाता है, गांव से आता है। तो आप पूरे टाइम फुल टाइम यहीं पे रहते हैं कि अपने घर जाते हैं? नहीं घर पर नहीं जाता है, यहीं पे रहता है। आपके लड़का उड़का नहीं है लोग? नहीं हमारा कोई नहीं है, हम अकेला है। अकेला है इसीलिए आप यहीं पे रहते हैं? शादी वादी नहीं की है? नहीं शादी रहे, मर गया औरत। कितने साल पहले मर गई वो औरत? भाई 4-5 महीना 6 महीना 5-6 महीने पहले। लड़का उड़का एक भी नहीं था? ये वो लड़की था, शादी कर लिया। शादी हो गया है। जो इनार है यहाँ पे इसमें से पानी वानी निकलता है कि बंद हो गया? ना पानी निकलता है, सब बिछवाया है। ये देखिए यहाँ पे आपको हम दिखाते हैं, देखिए इस तरीके से यहाँ पे पूरा सब कुछ लगाया गया है। और जैसा कि बाबा बता रहे हैं कि पानी है तो हाँ सच में यहाँ पे पानी वानी है, मत दिखा उधर फोन गिर जाएगा। और इस तरीके से देखिए यहाँ पे एक छोटा सा यहाँ पे आपको एक तालाब भी दिखेगा। ये देखिए यहाँ पे एक तालाब भी है यहाँ पे, मतलब जैसे ही बारिश वारिश होगी तो यहाँ पे पानी अच्छे से इकट्ठा हो सकता है। तो देखिए यहाँ पे इस तरीके से जैसा कि बाबा बताएं कि यहाँ के जो मुखिया जी हैं, मुखिया जी का नाम क्या बताए थे? अच्छा नाम नहीं याद है। तो मतलब आप भी समझ लीजिए कि यहाँ पे जो भी वो मुखिया लोग का नाम नहीं लिखा हुआ है वहाँ पे, श्रीमती आशा देवी जी ने बनवाया है जो कि काफ़ी सराहनीय काम है। यहाँ पे देखिए किस तरीके से गाँव के लोगों के लिए एक्सरसाइज करने के लिए यहाँ पे सब कुछ एक्सरसाइज जोन बनाया गया है। इसी तरीके से यहाँ पे देखिए मतलब अब गांव के लोग पता नहीं किस तरीके से इतना यूज करते होंगे या नहीं करते होंगे। है ना देखिए सब कुछ प्रॉपर बढ़िया सब कुछ चल रहा है यहाँ पे, जो कि काफ़ी अच्छा चीज़ है। अब गांव के लोग कितना इस चीज़ का लाभ उठाते हैं वो गांव के लोगों के ऊपर डिपेंड है। तो चलिए धन्यवाद, सभी का धन्यवाद। यदि आप मेरा ये वीडियो फेसबुक पे देख रहे हैं तो आप हमारे फेसबुक पेज को फॉलो करें। यदि आप मेरा वीडियो यूट्यूब पे देख रहे हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब करें। इसी तरीके ग्राउंड रिपोर्टिंग देखने के लिए आप हमारे चैनल को शेयर कर सकते हैं, सपोर्ट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।